दोस्तों, हम सभी बहुत देर तक पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम अपने आप को सुबह उठकर कहते हैं अरे आज मुझे 8 घंटा पढ़ना है या आज मुझे 9 घंटे के पढ़ने हैं, तो एक मन में बड़ी अजीब सी एक उलझन पैदा होती है। और 2-3 दिन के बाद आपने खुद हमें बताया कि सर कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। आइए मैं आपसे बात करता हूँ आज चीट मेथड के बारे में, यानी हम अपने दिमाग को कैसे चीट कर सकते हैं और उसको मजबूर कर सकते हैं ज़्यादा देर तक पढ़ने के लिए, और ज़्यादा देर पढ़ने के बाद भी उसको एहसास ना हो कि उसने इतनी लंबी पढ़ाई की है। चलिए दोस्तों, समझते हैं कि हमें इसको कैसे करना पड़ेगा। पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि पहले आपकी सिटिंग कैसी होनी चाहिए, यानी आपका पढ़ने का कमरा, वहाँ पर रंगों के क्या आपके ऊपर प्रभाव पड़ते हैं ताकि आप देर तक पढ़ने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। तो आप कोशिश करिए कि आप मेज और कुर्सी पर बैठ के पढ़ाई करिए, राइट, मेज और कुर्सी पर। इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है वो ज़्यादा देर तक सीधी बनी रहती है। जो आपकी तंत्रिका तंत्र होता है, जो सूचनाओं को प्रदान करने का जो तरीका होता है, वो आपकी सीधी रीढ़ की हड्डी पर ही वो सबसे प्रभावशाली होता है। अगर आप स्लाउच करके बैठते हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, बिस्तर में पड़ रहे हैं, तो बहुत बड़ा खतरा है कि आपको जल्दी नींद आ जाए या आप जो है वो थकान महसूस करना शुरू करें। सो कोशिश करिए कि आप मेज कुर्सी पर पढ़िए। और दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सेगमेंट है, आप जहाँ आप पढ़ रहे हैं उसके सामने आप एक ऐसी सीनरी लेकर आइए जिसमें आसमानी कलर या हरा कलर उसमें काफी प्रभावशाली हो, जैसे कोई गिरता हुआ झरना या पेड़ पौधे आपको वहां दिखाई पड़े। इन रंगों का दिमाग पर बहुत पॉजिटिव असर होता है और मानसिक जो विन्यास है वो खुलना शुरू हो जाता है। अब ऐसी कंडीशन में हम लोग बात करेंगे, ये तो आपकी प्रिपेयरनेस रही। साथ ही साथ जहां भी आप पढ़ने के बैठे वहां पर एक पानी की बॉटल रखें और कुछ खाने पीने का पदार्थ रखें ताकि जो आपकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहे। अब मैं आपसे चीट मेथड के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि चीट मेथड में हमें करना क्या होगा। एक्चुअली में हम जब सुबह उठते हैं तो एक गलती कर बैठते हैं और एक टारगेट बना लेते हैं कि आज मुझे 8 या 9 घंटे पढ़ना है। आप यहाँ पर इसको दूसरी तरह करिए, आप जो भी आपको पढ़ाई करनी है उसको 3 हिस्सों में तोड़ दीजिए। जैसे सपोज दैट आज आपने टारगेट बनाया कि मुझे 2.5 घंटा हिस्ट्री पढ़ना है, फिर इसके साथ मुझे 2.5 घंटा पॉलिटी पढ़ना है, और इसके साथ मुझे 2.5 घंटा ऑप्शनल पढ़ना है। अब आपने इस तरह करके जो है वो 3 सेगमेंट बना लिए। और भी अगर इसको अच्छा करना है तो एक सेगमेंट जो है वो आपका वैज्ञानिक और गणितीय सोच पे होना चाहिए, जैसे सपोज दैट इकोनॉमी या ज्योग्राफी। इसके साथ साथ दूसरा सेगमेंट जो होना चाहिए वो कहानी बेस्ड यानी स्टोरी बेस्ड होना चाहिए। तो यानी कि आपने इकोनॉमी और हिस्ट्री या ज्योग्राफी और हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन बना लिया। इसके साथ साथ ऑप्शनल या करंट अफेयर्स तीसरा सेगमेंट आपने ये बना लिया। अब आपने इसके लिए 2.5-2.5 घंटे एलोकेट कर दिए। अब आपको करना क्या है कि आपको जब भी पढ़ने बैठना है 5 मिनट अपने चेयर पर बैठ के अपने आप को एक पॉजिटिव अफर्मेशन देना है, जैसे कि मुझे मात्र 2.5 घंटा ही पढ़ना है, आज का मेरा टारगेट बहुत छोटा है 2.5 घंटा और मैं इसको क्विक जो है वो पढ़ के ख़त्म कर दूंगा। इससे आपके दिमाग को एक मैसेज जाएगा कि लोड आज बहुत ज़्यादा नहीं है, उसमें जो उलझन होने की प्रक्रिया है वो नहीं होगी, और आपने वो शांति से अपना एक टारगेट पूरा किया। जैसे आपने ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया और 2.5 घंटे में आप ज्योग्राफी पढ़ते रहे, राइट। अब ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आप उठ जाएंगे और 20 से 25 मिनट या 1/2 घंटे का ब्रेक लेंगे। ऐसी कंडीशन में पानी पियेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे और थोड़ा सा वॉक करेंगे ताकि आपकी बॉडी को एक स्ट्रेचिंग मिल सके, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो सके। अब इसके बाद अगेन जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आप 10 मिनट के लिए एक मेडिटेशन सेशन को फॉलो करेंगे और इसमें फिर से अपने आप को अफर्मेशन देंगे कि आप ही मुझे सिर्फ 2.5 घंटा पढ़ना है। आप अपने दिमाग को एक फॉल्स सिग्नल दे रहे हैं, एक ऐसा चीट मेथड कर रहे हैं कि मेरे पास तो लोड ही नहीं है ज्यादा, मैं तो रोज 8-9 घंटे का टारगेट बनाता था और दिमाग के अंदर एक विद्रोह होता था, आज मेरा जो सेगमेंट है वो केवल 2.5 घंटे का है, बस 2.5 घंटे ये हिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं और इसके बाद मुझे उठ जाना है, उसके बाद तो बल्ले बल्ले मेरी। तो अपने आप को आप जब इस तरह का अफर्मेशन देंगे तो ये चीज जो है आपके दिमाग में बहुत लंबे समय तक वो इसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, वो रुकेगा, वो समझेगा, बोले सिर्फ 2.5 घंटे का हमारा सेगमेंट है। आपने दिमाग को आप एक मैसेज दे रहे हैं, आप वहां से दूसरा पढ़ना शुरू करिए। फिर इसके बाद आप ब्रेक लीजिए 1-1.5 घंटे का, आप रेस्ट करिए, थोड़ा सा चाहें तो आप पावर नैप ले लीजिए, आप थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं या किसी भी तरह अपना जो है एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके बाद अगेन आपको एक छोटा सा अफर्मेशन देना है कि बस मुझे 2.5 घंटा जो है ये मुझे करंट अफेयर्स या मुझे ऑप्शनल पढ़ना है, सिर्फ इतना छोटा सा सेगमेंट है, ये बहुत ज्यादा नहीं है, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो इतनी बड़ी तैयारी कर रहा है उसके लिए 2.5 घंटा तो मामूली बात है, मैं बहुत आसानी से कर सकता हूं। ये आप अपने ब्रेन को एक सिग्नल देना शुरू करेंगे, एक चीट सिग्नल देना शुरू करेंगे और उसको लगेगा प्रेशर कोई बहुत ज्यादा नहीं है, उसके अंदर एक विद्रोह जो होता है आपने देखा होगा, एक उलझन होती है, अरे बाप रे इतना पढ़ना है मैं तो थक जाऊंगा, ये जो सिग्नल्स हैं वो डंप हो जाएंगे और लगेगा बस केवल 2.5 घंटे की बात है, बहुत छोटा सा टारगेट है और इसको अचीव कर लूंगा। तो इसके माध्यम से आप अगला जो है वो 2.5 घंटे का सेशन कर लेंगे, यानी जो अपने आप को आप ये कहते थे कि आज मुझे 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ना है उसकी जगह आप छोटे छोटे सेगमेंट्स बनाइए, कम से कम एक दिन में 3 सेगमेंट्स बनाइए जिसमें एक सब्जेक्ट साइंस या मैथमेटिक्स या जो आपका ऐसा जिसमें आपको अपना दिमाग लगाना है, एक जिसमें आप
आप स्टोरी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, और एक जो आपका ऑप्शनल या करंट अफेयर्स है। इस तरह आप करते करते धीरे धीरे जो 2.5 घंटा उसको बढ़ाकर 3-3 घंटे के 3 सेगमेंट कर सकते हैं। आप देखेंगे, मैंने ये प्रैक्टिकल बच्चों के साथ किया, वो जो उनकी उलझन है, जो एक दिमाग में एक फेडअप हो रहा था कि अरे ये मुझे इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, इतना प्रेशर आ रहा है, अंदर से उलझन हो रही है, कितना टाइम हो गया, अभी तो 6 घंटा ही हुआ है, अभी तो 2 घंटा टारगेट बचा है, इन सब से आप बच जाएंगे। छोटे छोटे जो सेगमेंट्स होते हैं ये बहुत पावरफुल होते हैं। और ये चीनी कहावत भी कही गई है कि एक बड़ी लंबी यात्रा की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। आपका दिमाग फेडअप नहीं होगा, आप छोटी छोटी शुरुआतों के माध्यम से बहुत अच्छा कर पाएंगे। जैपनीज इसको काइजन के नाम से जानते हैं, और ये जो छोटी छोटी शुरुआतें हैं ये बहुत बड़ा इफेक्ट लेकर आएंगी। आप इसको फॉलो करिए दोस्तों, जो मैंने आपको बताया कि आपका जो सिटिंग मेथड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सामने किस कलर का चार्ट या किस कलर का, आपने देखा होगा सीनरी बहुत सस्ती आती है, आप वो लगा सकते हैं, पानी की बॉटल और ग्लूकोज कैंडी या अखरोट या बादाम ये अपने साथ रख सकते हैं। साथ ही साथ अपनी जो पूरी पढ़ाई है वो अपने दिमाग को सिर्फ सिग्नल दीजिए कि अभी मुझे सिर्फ 2.5 घंटा पढ़ना है, और ऐसा करके आप अपने अंदर बहुत चेंज लेकर आ सकते हैं और आप बहुत लंबी पढ़ाई कर सकते हैं। आपके शरीर को एहसास भी नहीं होगा, आपका दिमाग जो विद्रोह भी नहीं करेगा, और आप आसानी से अपने टारगेट्स को डेली के डेली बेसिस पे पूरा कर पाएंगे। सबसे बड़ा इसका फायदा होगा कि कई सब्जेक्ट्स जो इसके साथ चल रहे हैं उनकी आप मॉनिटरिंग कर पाएंगे कि मैंने आज कितना अचीव किया, मेरा आउटपुट क्या रहा, और मैं अपने सक्सेस की तरफ कितनी आगे बढ़ रहा हूं। और डेफिनेटली ये मेथड फॉलो करके आपकी पढ़ाई में जबरदस्त चेंज आएगा, और जो इस परीक्षा की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, ज्यादा देर तक पढ़ना, ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना, ज्यादा फोकस होकर पढ़ना, डेफिनेटली वो अचीव कर ले जाएंगे। और मैं यही चाहता हूं कि आप सशक्त बने, ताकतवर बने, और जिस सपने को आप देख रहे हैं उस सपने को हासिल करें, चाहे दुनिया कितनी भी आपके विरोध में खड़ी हो। यही वक्त है अपने आप को सशक्त करने का, मॉनिटर करने का, और अपने टारगेट्स पे अपने आप को झोंक देने का। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, और ये प्रैक्टिकल आप करके मुझे 15 दिन बाद बताइए कि क्या आपकी लाइफ में, आपकी पढ़ाई में चेंजेस आए या नहीं आए। और भी अन्य मेथड्स के साथ मैं जुड़ा रहूंगा, लेकिन ये वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ये नॉलेज पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।